लो देखो अजय आ गया। बच्चों के इस बचाव केंद्र में तुम क्या कर रहे हो? नमस्ते, मैं अपने पुराने शिक्षकों और दोस्तों से मिलने के लिए वापस आया हूँ। मुझे अभी भी याद है कि मेरा समय यहाँ कितना महत्वपूर्ण था। पहली बार मैं लगभग 10 साल पहले इस केंद्र में आया था। एक बच्चे के रूप में मैंने सिर्फ खदानों में काम करना ही सीखा था। वहाँ के सदमे से बाहर आने में मुझे लंबा समय लग गया। जब मुझे बच्चों के इस केंद्र ने बचाया तो मैं अपने जैसे कई बच्चों से मिला जो पहले खतरनाक काम करते थे। शिक्षा का मूल जानने तक हमें नहीं पता था कि कोई दूसरा रास्ता भी है। शिक्षा ने ही मुझे बाल मजदूरी से अलग रास्ता दिखाया। शिक्षा का अर्थ 3 चीजें हैं, नई चीजें सीखना, दूसरों को समझना और दोस्त बनाना और खेल सीखना। मुझे याद है जब मैं केंद्र में आया था तो मुझे नहीं पता था कि शिक्षकों ने हमें खेलने के लिए क्यों प्रेरित किया। मैं सोचता था कि ये कैसी समय की बर्बादी है। लेकिन जल्द ही फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल बन गया था। जब हम गोल करते थे तो मैं हवा में अपने हाथ लहराते हुए गोल चिल्लाते हुए भागता था। मुझे अब समझ में आता है कि वह मेरी शिक्षा का एक हिस्सा था। मैंने सीखा कि दूसरों के साथ काम कैसे करें, दोस्त कैसे बनाएं और अलग परिवेश से आए बच्चों के साथ बात कैसे करें। खेलने से मेरी उत्सुकता शांत हुई, इसलिए मैं संगीत, पेंटिंग और योग जैसी नई चीजों को सीखने लगा। एक लय में आगे बढ़ने से मुझे अपने शरीर से तनाव को दूर करने में मदद मिली और मैंने अपने पिछले अनुभवों के बारे में सोचना बंद कर दिया। यह सब भी शिक्षा का ही एक अंग था। और निश्चित रूप से पढ़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा नई चीजें सीखना ही है। बच्चों के इस केंद्र में आने के पहले मैं कभी भी स्कूल नहीं गया था और मैं पढ़ लिख नहीं सकता था। पढ़ाई करना कठिन था और टीचर कठोर भी होते थे, लेकिन मुझे पता था कि यह एक बड़े आदमी के बराबर काम करने के जैसा नहीं था। मैंने इसे अपने भले के लिए चुना था। कोई भी मेरी मेहनत से पैसा नहीं बना रहा था। जल्द ही मैं जितना हो सकता था उतनी पढ़ाई कर रहा था। मुझे चीज़ों को ठीक करने में भी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने प्लग और रेडियो की मरम्मत करने की व्यावसायिक ट्रेनिंग करनी शुरू की। यह अनुभव बहुत अच्छा था। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की और अब मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ कि कुछ अपने परिवार को भी भेज सकूँ। उज्जवल भविष्य के साथ अपने घर वापस लौटते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था। मेरे माता पिता इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकते थे। इसलिए पढ़ाई की अहमियत और बाल मजदूरी क्यों गलत है यह बताने के लिए मैं गाँवों में जाता हूँ। मैं बच्चों के केंद्र में वापस आना पसंद करता हूँ ताकि मैं दूसरों को अपनी कहानी बता सकूँ। जहाँ भी मुझे बाल मजदूरी और मानव तस्करी दिखेगी मैं हमेशा उसे रोकूंगा। याद रखें, आपको एक बच्चे के रूप में वयस्क का काम नहीं करना चाहिए। आपको स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई भी काम की तरह महसूस हो सकती है, लेकिन ये आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी और आपके परिवार का सहयोग करेगी। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ बैठ कर सुनना नहीं है, इसका मतलब है आप जो कुछ भी करते हैं उसमें जिज्ञासु रहें। सभी बच्चों में प्रतिभा होती है। पढ़ाई से आप अपने अंदर की प्रतिभा को जानते हैं। आपको शिक्षित होकर एक मजबूत स्वतंत्र व्यक्ति में विकसित होने का अधिकार है। किसी को भी आपके जीवन के चुनाव को रोकने का अधिकार नहीं है।